नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 मार्च 2019 है और आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दो बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मंडी परिषद परीक्षा कब तक आयोजित की जा सकती है, और दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक रिजल्ट और घोषित करने वाला है। वह रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 65 केंद्र, अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप आरसीएन न्यूज चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको सही सटीक और विस्तार से जानकारी मिले जिससे आप बातों को समझ पाएं, तो आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़े आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों के पास, जिनसे उन्हें भी इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके और आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ सकें। अब आइए पहले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मंडी परिषद परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी कमेंट करके हमसे पूछते रहते हैं कि मंडी परिषद की परीक्षा कब तक आयोजित होगी, कब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मुझे जानकारी प्राप्त होती है वही जानकारी मैं आपको साझा करता हूँ। मैं अपने मन से कोई भी बात आपको नहीं बताता हूँ जिससे आपका आरसीए न्यूज चैनल पर विश्वास बना रहे। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मंडी परिषद परीक्षा अप्रैल 2019 के फर्स्ट वीक तक आयोजित करा ली जाएगी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मंडी परिषद की परीक्षा अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आयोजित करा ली जाएगी। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखिए और आप अपनी तैयारी ध्यान से कीजिए, मन से कीजिए, जिससे आपको इस भर्ती में सफलता मिल सके, आपकी जॉब लगेगी तो आरसीए न्यूज चैनल को बहुत खुशी होगी। आपको जो भी डेट बताऊंगा वह एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ गोपनीयता भी होती है और गोपनीयता को बरकरार रखना हमारा फर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा उससे पहले आपका एग्जाम आयोजित करा लिया जाएगा। आइए दूसरे टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत से रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे बीडीओ का रिजल्ट पेंडिंग है, लोअर टू का रिजल्ट पेंडिंग है, लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट पेंडिंग है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, ट्यूबल ऑपरेटर का रिजल्ट पेंडिंग है, और पिछली सरकार में बहुत से विज्ञापन आए थे जिनके एग्जाम हो गए थे लेकिन अभी तक उनका परिणाम अर्थात रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। आप सबके मन में सवाल होगा कौन से रिजल्ट आएंगे और कौन से रिजल्ट नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कौन सा रिजल्ट घोषित करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो बैठक हुई है उस बैठक के दौरान जो निर्णय लिया गया है आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और 8 मार्च 2019 को भी बैठक है, आपको उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहता है जो इस सरकार में विज्ञापन निकाले गए हैं सबसे पहले उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट घोषित हो चुका है, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है, अब लोअर टू का रिजल्ट आएगा, बीडीओ का रिजल्ट आएगा और असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आएगा, लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा और ट्यूबल ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता क्योंकि कुछ गोपनीयता भी होती है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक और रिजल्ट घोषित करने वाला है। 12 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक और रिजल्ट घोषित करने वाला है। आप सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुन लीजिए, 12 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक और रिजल्ट घोषित करने वाला है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कौन सा रिजल्ट आएगा,
गोपनीयता बरकरार रखनी है। बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि 12 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक और रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। आप सभी अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें और 12 मार्च का इंतजार करें। अब आइए तीसरे टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 8 व 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए शासन प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है और 65 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,08,846 हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। 50% कक्ष निरीक्षक राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से तथा 50% कक्ष निरीक्षक जिला अधिकारी की ओर से नामित किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने बताया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 65 स्टेटिंग मजिस्ट्रेट एवं 65 पर्यवेक्षक प्रशासन लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा नकल विहीन हो सके, जिसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने दिमाग का उपयोग करें, नकल पे ज़्यादा ध्यान न दें, अपने मेहनत पे विश्वास करें और परीक्षा में शामिल हो, जिससे आपको सफलता मिल सके। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं आपको सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, तो आप आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक काम आप और कर दीजिएगा, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है ना कोई मेहनत लगता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, जिससे उन्हें भी इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती रहे और आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।